सुन छोटे, तू सोशल मीडिया पर अपनी झूठी मुस्कुराहट वाली फोटो अपलोड करना चाहता है या अपने कंधों पर सक्सेस लोड करना चाहता है, इन फेक लोगों से झूठी तारीफ सुनना चाहता है या समुद्र की गहराई में जाकर अनमोल मोती चुनना चाहता है? अरे तू वो मिसाइल है जो एक दिन विस्फोट करेगा। अरे कुछ दिन रुक जा, ये सोशल मीडिया खुद तेरी फोटो अपलोड करेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बताने वाला हूँ, जिससे कि आप लोग बहुत कम समय में बहुत अच्छा एक माइक्रो नीच वेबसाइट बना सकते हो और बहुत सारे ट्रैफिक ला सकते हो। ठीक है, बहुत कम टाइम में ट्रैफिक ला सकते हो। बेसिकली हम लोग जो वेबसाइट बनाते हैं, कोई प्रोफेशनल सा वेबसाइट, तो उसमें हमें कम से कम एक साल जैसा लग जाता है अच्छा वाला ट्रैफिक जनरेट करने में। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैं आजकल एक दूसरा तरह का वेबसाइट या ब्लॉग बन रहा है, जिसमें लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं उस तरह का, मतलब मैं आपको सबसे पहले नाम बता देता हूँ, उसे माइक्रो नीच वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, या माइक्रो नीच वेबसाइट, नीच या नीच, ठीक है। तो माइक्रो नीच वेबसाइट आजकल बहुत ही ज़्यादा रन हो रहा है, हालांकि उसका कंपटीशन लो है क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है उसके बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा माइक्रो नीच वेबसाइट के बारे में। अगस्त मंथ का 22 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं ट्राई करूँगा इस अगस्त मंथ को ही आप लोगों को बहुत सारे माइक्रो नीच वेबसाइट के ऊपर मैं वीडियो दे पाऊँ। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा इस चैनल को, और स्टे ट्यून रहना होगा आप लोगों को हमारे साथ अगर कुछ सीखना है। तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिसर्च करके बताऊँगा कि किस तरह का माइक्रो नीच वेबसाइट बन रहे हैं और लोग कितना जल्दी रैंकिंग करवा रहे हैं अपने साइट को, और तो और कितना ट्रैफिक मतलब आ रहा है उसके वेबसाइट पे, और कितने अर्निंग भी कर रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग हो जाएगा आप लोगों को, बस अप्रॉक्स में मैं आप लोगों को बस बताऊंगा। वैसे आप लोगों को अगर ब्लॉगिंग की थोड़ी भी जानकारी है तो आप लोगों को पता ही होगा, एक रफ आइडिया की बात करें तो एक 1000 पेज व्यूज़ अगर आपके ब्लॉग में डेली आता है तो आप लोग मंथली $300 to $500 अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी ऊपर नीचे होता है इसमें, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि $300 to $500 अर्न हो जाएगा। अगर 1000 पेज व्यूज़ डेली आता है तो मान लीजिए आप डेली $2 to $10 तक आप लोगों का अर्निंग हो सकता है। वो सब हर कुछ डिपेंडेड होता है, ठीक है, बहुत सारे चीज़ों में, फैक्टर्स में डिपेंड होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, और जैसे कि मैंने माइक्रो नीच वेबसाइट क्या होता है अभी तक नहीं बताया, तो हम लोग इस वीडियो में जब बात करेंगे सब सीख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक देखिए, अभी अगस्त मंच है 2019 का, और खबर ये है कि जियो अपना ब्रॉडबैंड सर्विस अब बहुत जल्दी निकालने वाला है, साथ ही साथ D2H, और तो खबर ये भी आ रही है कि जियो अपना टीवी 4K टीवी भी निकालने वाला है। ठीक है, तो ये सब खबर है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरनेट में ये सब खबर वायरल हो रहा है। मुझे अभी तक नहीं पता कि जियो अपना 4K टीवी निकाल रहा है या नहीं, लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ कि जियो अपना D2H और ब्रॉडबैंड निकालने वाला है। ठीक है, तो चलिए एक कीवर्ड सर्च करते हैं। ठीक है, जियो D2H, इस कीवर्ड को सर्च करने के बाद हम लोग सर्च करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ये न्यूज़ ब्लॉग्स को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो मतलब हम लोग देखेंगे कि कौन सा आर्टिकल सबसे पहले रैंक कर रहा है। ये देखिए, ये आर्टिकल सबसे पहले रैंक कर रहा है, और ज़रा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे देखिए ये URL है jio.services। आपको पता होगा जियो का ऑफिशियल वेबसाइट का URL क्या है, आपको पता होगा। चलिए जियो सर्च करता हूँ, और यहाँ पे देखिए www.jio.com, और यहाँ पे क्या उनका URL क्या है, jio.services, यानी कि बस डोमेन चेंज कर दिया और जियो यहाँ पे उसके URL में है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी जियो नाम के साथ कोई भी डोमेन मिल जाएगा, अब तक तो सारा डोमेन सेल हो चुका होगा, ठीक है, जियो नाम के साथ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जियो नाम के साथ ही बनाओगे तब आपका माइक्रो नीच वेबसाइट बनेगा, हालांकि ये एक माइक्रो नीच वेबसाइट हम लोग इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, अब इस jio.services में कोई एयरटेल वगैरह का मतलब आर्टिकल लिख के डालेगा तो वो आर्टिकल इतना जल्दी रैंक नहीं होगा जितना जल्दी ये रैंक हुआ है। ठीक है, टॉप नंबर 1 पे है ये, और बहुत सारे कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है। ठीक है, ये वेबसाइट जैसे jio.D2H बुकिंग, ठीक है, इसको भी सर्च करके मैं दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, और भी बहुत सारे कीवर्ड हैं जिसमें रैंक कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखें कि लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, जैसे कि जियो प्लान्स, D2H प्लान्स, ठीक है, इसमें एक वेबसाइट को छोड़ के अगर देखा जाए तो ये वेबसाइट वापस रैंक कर रहा है। तो आप सोच रहे हो कितना जनरेट कर रहा होगा ट्राफिक ये, ठीक है, डेली हज़ारों लाखों ट्राफिक जनरेट कर रहा होगा, यानी कि हज़ारों लाखों पेज व्यूज़। मैंने आप लोग को याद कीजिए क्या बताया था, 1000 पेज व्यूज़ में $2 to $10 तक मिल जाता है इंडिया में। ठीक है, लेकिन आप लोग सोच सकते हैं कि हज़ारों लाखों व्यू मतलब पेज व्यूज़ आने से क्या होगा फिर। ठीक है, और इस वेबसाइट को ओपन करके दिखाऊंगा, और भी एक दो मैं दिखा देता हूँ, जैसे जियो, चलिए जियो टीवी अब लिख के दिखाता हूँ, टीवी बुकिंग। ठीक है,
क्योंकि ऑलरेडी एक एप्लीकेशन है जियो टी वी का, तो वो लिखने से वो आ जाएगा। हालांकि जियो टी वी बुकिंग ऑनलाइन, चलिए ये लोग सर्च कर रहे हैं तो इसको मैं देखता हूँ खोल के, देखिए ये वेबसाइट रैंक कर रहा है। तो ऐसे करके वेबसाइट रैंक कर रहा है बहुत, वैसे ये यहाँ पे और एक वेबसाइट देखिए ठीक है, JioFiber.org, तो ये भी एक है और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है माइक्रोनिस वेबसाइट का। तो माइक्रोनिस वेबसाइट होता क्या है, अब आप लोग समझ गए होंगे ऑलरेडी कि एक कीवर्ड या एक इंडिविजुअल कीवर्ड या टॉपिक के ऊपर उस यूआरएल को भी रख के और बस उसी के ऊपर बनाया जाए वेबसाइट या ब्लॉग। जैसे यहाँ पे देखिए JioD2H बुकिंग, ये एक 100% माइक्रोनिस वेबसाइट है ठीक है, JioD2HBooking.com। एकदम सिंपल कीवर्ड को यूआरएल में यानी कि अपना वेब एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया, अब ये खुद ब खुद रैंकिंग होने चालू हो जाएगा, आपको जस्ट थोड़ा सा मेहनत करना है ठीक है। तो इन सारे वेबसाइट को थोड़ा थोड़ा करके एनालाइज करता हूँ मैं, इसको पहले खोल लेता हूँ क्योंकि ये 100% माइक्रोनिस वेबसाइट है। यहाँ पे वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हो गूगल का एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ है, अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो तो आपको दिख जाएगा googleads.g.doubleclick.net, ये सब तो आप लोग समझ सकते हो गूगल का। यहाँ पे देखिए ये गूगल का ऐड है, फिर थोड़ा सा आर्टिकल लिखा है, फिर यहाँ पे गूगल का ऐड है, तो गूगल एडसेंस का ऐड अप्रूव्ड है, यानी कि अगर इन लोगों को डेली 10,000 पेज व्यूज़ भी आ रहे हैं ना सर्चों के, वैसे 10,000 मैं बहुत कम बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सर्चेस हैं इस कीवर्ड का और बहुत ज़्यादा ही पेज व्यूज़ हो रहे हैं ठीक है। तो डेली अगर 10,000 भी आ रहे हैं ना तो ये लोग आराम से $100 तो छोड़ो $1,000 के ऊपर ही कमा रहे हैं ठीक है। और ये टेक वेबसाइट है यानी कि टेक्निकल चीज़ के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल चीज़ के ऊपर ये वेबसाइट है, तो जो भी एड्स आते हैं वो सब बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं ठीक है। जैसे कोई न्यूज़ वेबसाइट या फिर कोई बॉलीवुड एंटरटेनमेंट वेबसाइट होता है वो सब में थोड़ा कम पैसा मिलता है, लेकिन ये टेक वेबसाइट में काफ़ी मिलता है। तो देखिए बहुत बड़ा बड़ा आर्टिकल हालांकि लिखता है ये लोग और सही से लिखता है ठीक है, ये लोग बनाने में बहुत टाइम लेता है, हो सके तो एक महीना तक बनाता है पहले से और लास्ट में जाके उन लोगों का मेहनत सफल होता है और काम देता है ठीक है, और लास्ट में क्या होता है उनका वेबसाइट रैंक हो जाता है ठीक है। ये वाला मैंने आपको दिखा दिया, ये 100% माइक्रोनिस वेबसाइट है। ये वाला देखते हैं JioFiber, जैसे कि JioFiber भी गीगा फाइबर था, तो मैं इस वेबसाइट को भी काफ़ी एक साल से हालांकि देख रहा हूँ ठीक है, अभी भी चल रहा है। तो आप सोच सकते हो कितना इनकम कर रहा होगा एक प्रोफेशनल, छोटा मोटा ब्लॉग उतना अर्निंग नहीं करता होगा जितना ये लोग अर्निंग कर रहे हैं ठीक है। हर एक स्टेट का नाम से ये लोग लिखा होगा और कुछ आर्टिकल ज़्यादा होगा नहीं ठीक है, एक ही आर्टिकल को बार बार कॉपी पेस्ट किया होगा, थोड़ा थोड़ा चेंज किया होगा और ज़्यादा मेहनत नहीं लगाया होगा। हालांकि शुरू शुरू में मेहनत लगा होगा क्योंकि शुरू शुरू में एक ना दो आर्टिकल तो आपको खुद से अच्छा से लिखना ही पड़ेगा ठीक है। तो जियो गीगा टी वी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, ये जैसे एक ऑल इंडिया सर्चेस में आ सकता है ठीक है, ऑल इंडिया सर्चेस में आ सकता है, लेकिन अगर कोई ये सर्च करता है जियो गीगा टी वी रजिस्ट्रेशन इन बिहार इन हरियाणा, तो वो सब भी इन्होंने लिखा होगा। देखें यहाँ पे कैटेगरीज है और इनका भी गूगल एडसेंस का ऐड है, आप देख सकते हो ठीक है। तो गूगल एडसेंस का कोई भी पॉलिसी वायलेट नहीं करता है माइक्रोनिस वेबसाइट, गूगल खुद चाहता है कि माइक्रोनिस वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा आए ठीक है। लेकिन किसी भी टॉपिक, आपको टॉपिक या कीवर्ड ऐसा चुनना होगा जो लाइफ टाइम चले, मतलब एक ऐसा कीवर्ड चुनना होगा जो लोग सर्च करता ही रहे ठीक है, ज़िंदगी भर सर्च करता रहे। ऐसा आप मान लीजिए कोई मूवी आ रहा है जैसे मिशन मंगल आके चला गया ठीक है, तो आप मिशन मंगल के ऊपर, चलिए आपने माइक्रोनिस वेबसाइट बना दिया 3-4 महीना पहले ठीक है, तो 1-2 महीना के बाद आपका वो रैंकिंग भी कर रहा है ठीक है, फर्स्ट पेज में गूगल का फर्स्ट पेज में रैंक भी कर रहा है और आप बहुत सारे विजिटर भी पा रहे हो, चलो मैं मान लेता हूँ। और मूवी का माइक्रोनिस वेबसाइट में गूगल एडसेंस का ऐड नहीं मिलेगा, किसी और ऐड को लगाना होगा, जस्ट एन एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ठीक है। तो जब मिशन मंगल मूवी जाके चला गया तो लोग क्या सर्च करेंगे उसके बारे में, तो लोग सर्च नहीं करेंगे, धीरे धीरे आपका वेबसाइट ट्रैफिक डाउन हो जाएगा और बस वहीं पे वो ख़त्म, उसका राम राम सत्य है हो जाएगा और कुछ लेना देना होगा नहीं ठीक है। तो फाइनली इसको भी एक बार मैं खोल देता हूँ और बाकी बात यहाँ पे करते हैं। इसका भी सेम है गाइस, JioServices सबसे नंबर टॉप 1 पे आता है ठीक है, और काफ़ी अच्छा है, गूगल का ऐड बीच बीच में लगा हुआ है देखिए ठीक है, यहाँ पे देखिए बैनर ऐड लगा हुआ है। तो ये सब कुछ खोल के और फ़ायदा नहीं है, आप लोग समझ ही गए होंगे आखिर है क्या। बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखा जाता है माइक्रोनिस वेबसाइट में, लेकिन एक या दो टाइम आपको मेहनत करना, देखिए कितना कमेंट्स है ज़रा देखिए ठीक है। और मैं आपको बता दूँ एक फैक्ट, इंटरनेट में या किसी भी वेबसाइट में 1,000 में से भी 1 लोग कमेंट नहीं करते हैं, करीबन 2-3 हज़ार लोग आते हैं ना एक आर्टिकल में, तब जाके एक आर्टिकल में कोई कमेंट करते हैं। तो आप सोचिए कितना कमेंट है, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे अभी नीचे आऊँगा तो हज़ारों कमेंट होगा, तो सोचिए कितना है, मतलब कितना लोग आए थे इस पे और कितना का अर्निंग हुआ होगा, बस मैं सोच के अंदाज़ा लगा सकता हूँ ठीक है।
यहाँ पे इस वेबसाइट को मैं बैक करता हूँ और थोड़ा सा अलेक्सा में जाके आपको दिखाता हूँ। बेसिकली अलेक्सा में मेरा अकाउंट नहीं है प्रीमियम, तो इसी यहाँ पे आपको ट्रैफिक नहीं दिखा सकता मैं। हालांकि मैं आपको कुछ कुछ दिखा सकता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो क्या क्या कीवर्ड टॉप में रैंक कर रहा है, जैसे जियो मीडिया केबल। जैसे इस कीवर्ड को मैं कॉपी करके यहाँ पे डालूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकोगे। यहाँ पे देखिए ये वाला मतलब यहाँ पे ये वेबसाइट दिख रहा है, ठीक है। हालांकि ऊपर में एक वेबसाइट है उसमें भी जा रहा होगा, लेकिन इसमें भी जाता है। तो इनका कहना ये है कि 16% ट्रैफिक इस कीवर्ड से होके आता है, मतलब इस वेबसाइट का तो और भी ट्रैफिक होगा इस कीवर्ड से, ठीक है। तो कीवर्ड है ये सब कीवर्ड में रैंक कर रहा है, और भी बहुत कीवर्ड है, मैं आपको सब कुछ नहीं दिखाने वाला। और इन सब साइट का बैकलिंक पहले तैयार किया जाता है, मतलब जो भी माइक्रोनिश वेबसाइट बनाता है ना वो बहुत ज़्यादा बैकलिंक बनाता है इधर उधर, तब जाके उनका साइट रैंक करता है। और कम से कम आपको माइक्रोनिश वेबसाइट रैंक करवाने के लिए कम से कम आपको बहुत दिनों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कम से कम 1 या 2 महीने का मेहनत और ज़रूरत, मतलब टाइम आपको वेस्ट करना होगा, आपको लगाना होगा इस पे। और जितना आप मेहनत करोगे उतना अच्छा आपको फल मिलेगा। और ऐसा ही किया था शायद ये 3, 4, 5 बहुत सारे वेबसाइट है नीचे नीचे, किसको किसको दिखाऊं, तो बहुत सारा मेहनत करने के बाद ऐसे करके रैंक होता है, जैसे ये 3 वेबसाइट रैंक हो रहा है, ठीक है। और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि इन्होंने कीवर्ड को ही अपना URL बना के कर दिया। तो ऐसे आपको कीवर्ड फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन उससे भी सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि आप किस कीवर्ड या किस टॉपिक के ऊपर एक माइक्रोनिश वेबसाइट लाना चाहते हो। गूगल में जाके सर्च करना है आपको, और आपको देखना है थोड़ा कि क्या उस कीवर्ड के ऊपर है माइक्रोनिश वेबसाइट। अगर बहुत ज़्यादा, जैसे इस कीवर्ड के ऊपर बनाना अब कोई फ़ायदे वाली बात तो है नहीं, अब यहाँ पर आपका वेबसाइट रैंक करना मुश्किल है, ठीक है। ईजी टू रैंक कीवर्ड, देखिए ये वाला कीवर्ड में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, जियो हेल्पलाइन, जियो कॉइन, जियो D2S डीलरशिप। तो यार मैं नहीं समझता हूँ जियो के ऊपर अब माइक्रोनिश वेबसाइट आना चाहिए। अब अगर कोई बाद में लेटेस्ट न्यूज़ आपको जब मिलेगा कि जियो ये वाला सर्विस ला रहा है अब नया, तो उसके ऊपर फटाक से बना देना, वो काम आएगा। हालांकि ये सब अब काम नहीं आने वाला है, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये अलेक्सा को छोड़ते हैं, अब ज़्यादा कुछ नहीं है। हालांकि यहाँ पे इस वेबसाइट का रैंकिंग दिखा देता हूँ मैं एक बार, मतलब किस तरह से रैंक हो रहा है ये। तो देखिए यहाँ पे मई मंथ 2019 में इस वेबसाइट का अगर देखा जाए तो 136.97 रैंक था, और अगर यहाँ पे आया जाए तो 170 में पहुँच गया था, ठीक है। तो यार ज़्यादा कुछ नहीं बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे माइक्रोनिश वेबसाइट कैसे बनाना है, ठीक है। तो अब हम लोग अपना जो माइक्रोनिश वेबसाइट बनाएंगे उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं, जैसे कि जियो फ्री इंटरनेट, ठीक है। वैसे मैंने आपको मना किया है जियो के ऊपर कोई भी माइक्रोनिश वेबसाइट लाएं, मैंने आपको एडवाइस भी दिया है कि अगर जियो बाद में कोई ऑफर लाता है तब ठीक है, मतलब कोई सर्विस लाता है तब उसके ऊपर जल्दी से बना दो, वो काम कर जाएगा डेफिनेटली। लेकिन फ़िलहाल जियो के मतलब वही कीवर्ड के ऊपर अगर आप ट्राई करोगे जो ऑलरेडी है वो सब काम नहीं आएगा। हालांकि मैंने जियो फ्री इंटरनेट लेके सर्च किया तो मुझे एक भी नहीं मिला, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा मतलब एक भी माइक्रोनिश वेबसाइट नहीं मिला, सब प्रोफेशनल ब्लॉग्स हैं, ठीक है, जैसे जी वीज, ये सब प्रोफेशनल ब्लॉग है, ये सब कोई माइक्रोनिश वेबसाइट नहीं है। तो चलिए यहाँ पे मैं डोमेन सर्च करने की कोशिश करूँगा जियो फ्री इंटरनेट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डोमेन्स ऑफर, हालांकि मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूँगा जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप डोमेन्स जो है कैसे सस्ता में ले सकते हो, और तभी अच्छा होगा, पता है। मतलब आप अगर कोई फ्री डोमेन यूज़ करोगे तो रैंक करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको पीछे जाके दिखाऊं, जियो डॉट सर्विसेस ये एक प्रीमियम डोमेन है, तो ये ख़रीदा हुआ डोमेन है। जियो डॉट ऑर्गिया ऑर्गेनाइजेशन ये भी एक प्रीमियम डोमेन है, और .com तो प्रीमियम डोमेन है ही, ये ORG ये भी प्रीमियम डोमेन है। तो आपको कोई TK.ML.CF ये सब जैसा छोटा मोटा या फालतू या मतलब बिना परचेज किया हुआ कोई भी फालतू डोमेन आपको नहीं मिलेगा रैंक में, ठीक है। तो अगर आपको रैंक करना है विथ कंपटीशन, यानी कि बहुत सारा कंपटीशन और बहुत सारा लोग अगर सर्च करता है उस कीवर्ड को और वहाँ पे आपको रैंक करना है, तो आपको अच्छा एक मतलब डोमेन लेना पड़ेगा, जैसे .com सबसे बेहतर होगा। और अगर आप इंडिया का कीवर्ड में बनाते हो कुछ तो .in भी चलेगा, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कोई यूनाइटेड स्टेट्स में आप जाके बना रहे हो, या यूनाइटेड किंगडम के किसी कंट्री के किसी टॉपिक में आप बना रहे हो, तो .uk वगैरह चलेगा, .com सबसे बेहतर होता है, तो ट्राई कीजिएगा .com होना चाहिए। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग डोमेन सर्च करेंगे पहले, ओके। मैं इस वेबसाइट पे आ गया हूँ जस्ट एग्जांपल आपको दिखाने के लिए, ठीक है, कि डोमेन मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस हम लोग यहाँ पे स्पेस को हटा देंगे, विदाउट स्पेस होता है, तो सर्च करते हैं जियो फ्री इंटरनेट, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा डोमेन अवेलेबल है।
जैसे आप देख सकते हो jiofreeinternet.com भी अवेलेबल है, .net भी अवेलेबल है, .in भी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ कि आप इस कीवर्ड के ऊपर बिल्कुल ही अपना माइक्रोनिस वेबसाइट चालू कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, जो भी .com को जल्दी ले पाएगा अच्छा है, आप लोगों में से जो भी अच्छा है मतलब ले लेगा अच्छा है, ठीक है। हालांकि आपके पास अगर ज़्यादा बजट नहीं है तो आप .tech से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, 99 पर ईयर, और बहुत सारा होता है। आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे और एक लिंक दे दूंगा होस्टकरले का, ठीक है, वहाँ पे आपको लिखा रहेगा होस्टकरले.in से डोमेन खरीद दीजिए, ठीक है। लिंक नंबर 2 पे आपको दे दूंगा वो, और यहाँ पे आइएगा डोमेन रजिस्ट्रेशन पे, और यहाँ पे अपना क्वेरी लिखिएगा जो भी आपको डोमेन चाहिए, और स्पीच को हटा देता हूँ मैं। ओके, सर्च डोमेन पे क्लिक करता हूँ। यार यहाँ पे भी बहुत सस्ता सस्ता मिल जाता है, तो होस्टकरले से भी आप लोग ले सकते हो। देखिए यहाँ पे 599 में मिल रहा है, जहाँ की बिग रॉक में 799 में मिल रहा था विथ टैक्स, और यहाँ पे बहुत कम टैक्स लगता है। तो .ICU ये डोमेन भी आप ले सकते हो, .000, ये सब जितना भी परचेज़ किया हुआ डोमेन है ना, आप लोग .info भी ले सकते हो, ठीक है। ये सबसे लेने से बेहतर .info ले लीजिए, एक प्रीमियम डोमेन है और 99 में ही मिल जाएगा इस वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन आप लोग ले सकते हो, ठीक है। डोमेन कैसे लिया जाता है उस वीडियो का लिंक मैंने ऑलरेडी नंबर 1 पे दे दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, और नंबर 2 पे मैंने दे दिया है होस्टकरले से कुछ होस्टिंग कैसे खरीदते हैं, ठीक है। तो साइनअप कीजिएगा होस्टिंग खरीदने टाइम, और यहाँ पे आना है जस्ट आपको, मतलब मैंने उस वीडियो पे होस्टिंग खरीदना दिखाया है, आप जस्ट डोमेन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप डोमेन रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, अब क्या करते हैं हम लोग। एक देखिए, मैंने बहुत बार बोला है कि वेबसाइट अगर बनाना है तो वर्डप्रेस में बनाइए, लेकिन अगर माइक्रोनिस वेबसाइट बनाना है तो ब्लॉगस्पॉट पे बनाइए, ठीक है। ब्लॉगस्पॉट ये गूगल का प्लेटफॉर्म है जो फ्री में आपको वेबसाइट बनाने या ब्लॉग बनाने आपको अलाउ करता है, जबकि वर्डप्रेस में हमें बहुत सारे पैसे लगाना पड़ता है होस्टिंग के लिए, ठीक है। और वो भी बेहतर है, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा फिलहाल ब्लॉगर का इस्तेमाल कीजिए कोई भी माइक्रोनिस वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर एक साथ आपका 10,000 भी विजिटर आ जाएगा ना, तो आपका वेबसाइट हिलेगा नहीं, मतलब कुछ होगा नहीं। जबकि वर्डप्रेस में अगर आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका वेबसाइट स्लो होगा। हालांकि उस वर्डप्रेस में वेबसाइट इसीलिए लोग बनाते हैं क्योंकि उनका जो रैंकिंग है वो अच्छा होता है, लेकिन मैंने जितना एनालाइज़ किया है माइक्रोनिस वेबसाइट या ब्लॉगस्पॉट में जो बना रहता है वो भी रैंक कर जाता है। तो मैं अभी आपको ज़्यादा खर्चा करने का सुझाव नहीं दूंगा, ठीक है। बाद में हम लोग कभी वर्डप्रेस में भी माइक्रोनिस वेबसाइट बनाएंगे, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यार ये हो गया, यहाँ पे देखिए एक वेबसाइट ऑलरेडी बना हुआ है, ये भी बेसिकली एक माइक्रोनिस वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 views 5 views 1 1 2 2 3 ऐसे व्यूज़ आए हैं, लेकिन आप थोड़ा डेट चेक कीजिए, इसी महीने का 3 दिन पीछे मैंने इस वेबसाइट को बनाया था, ज़्यादा दिन पुराना नहीं है। मैं आपको बता दूँ माइक्रोनिस वेबसाइट बहुत पुराना, जितना पुराना होगा उतना रैंक करेगा, ठीक है। तो 3 दिन में कोई भी वेबसाइट रैंक नहीं कर जाता है, थोड़ा थोड़ा मेहनत आपको भी करना पड़ता है। क्या मेहनत करना पड़ेगा वो हम लोग इस वीडियो के पीछे ऑलरेडी देखने वाले हैं, ठीक है। नहीं तो मैं मतलब माइक्रोनिस वेबसाइट को आप शुरू शुरू में किस तरह से रैंक करने में आप मेहनत कर सकते हो वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल हम लोग माइक्रोनिच वेबसाइट बनाना सीखते हैं। तो यार blogger.com पे आप आओगे तो अगर आपके पास blogger.com का अकाउंट नहीं होगा ना, तो आपको साइन इन करना होगा अपने गूगल अकाउंट से, वो यहाँ पे आपको मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है। तो वो हो जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से आएगा, जैसे न्यू ब्लॉग पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको ऑलरेडी साइन इन करोगे तो आपको कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा हम लोग क्या डोमेन लेने वाले हैं, जियो फ्री इंटरनेट, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे जियो फ्री इंटरनेट करते हैं, ठीक है, 1 मिनट, और यहाँ पे सर्च करता हूँ। यहाँ पे देखिए सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो किसी ने ले लिया है, अभी हम नहीं ले सकते, तो ट्राई करते हैं। और एक चीज़ फ्री इंटरनेट, ओके, तो गाइस हालांकि थोड़ा सा बड़ा URL हो गया, लेकिन आप लोग जो डोमेन परचेज़ करोगे वो आप लोग को, जैसे आप लोगों ने देखा था जियो फ्री इंटरनेट मिल रहा है, तो उसको आप ले सकते हो, बाद में इस बड़ा URL को चेंज करके उस छोटा URL में ले सकते हो, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं डाल दूंगा इस वीडियो के रिलेटेड जो देखना बहुत ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे आपको हेडिंग दे देना है अपना साइट का, मतलब जो भी कीवर्ड या टॉपिक के ऊपर बना रहे हो ना, उसी कीवर्ड या टॉपिक के ऊपर URL मतलब सर्च करो, ठीक है, अपने हिसाब से। मतलब कुछ और URL मत दे दो, मतलब कोई जैसे वी ट्रिक्स दे दिया तो ये सब वगैरह वगैरह आप लोग नहीं दे सकते हो। आपको माइक्रोनिस वेबसाइट बनाना है तो URL आपको कीवर्ड के टाइप में रखना होगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था वहाँ पे, ठीक है।
जैसे एग्जांपल दिखाया था ये जियो डीटूएच बुकिंग डॉट कॉम, ठीक है, जियो फ्री इंटरनेट ऑफर्स। चलिए ये हो गया, अब यहाँ पे क्रिएट ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं, और यहाँ पे आपका ब्लॉक तैयार हो जाएगा। यहाँ पे गूगल डोमेन्स लेने बोलेगा, लेकिन नो थैंक्स करेंगे हम लोग फिलहाल, और व्यू ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा ब्लॉग दिख रहा है। सबसे पहले तो इस ब्लॉग को एक थीम देंगे, ठीक है, थीम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बैकअप एंड रिस्टोर पे क्लिक करता हूँ। गाइस मैं आपको बता दूँ, मैंने ऑलरेडी एक थीम मतलब डाउनलोड करके रखा है, तो क्या करूँगा मैं इस थीम को अपलोड कर दूँगा गूगल ड्राइव में, और डिस्क्रिप्शन में मैं इस थीम का लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो कहाँ पर मैंने रखा है देखते हैं, काफ़ी सारे थीम है मेरे पास, तो मैं इस थीम का यूज़ करूँगा फ़िलहाल, प्योर मैक। तो इसको मैं मतलब डाउनलोड करूँगा, सॉरी अपलोड करके आप लोगों को लिंक दे दूँगा इसका डिस्क्रिप्शन पे, तो उसको डाउनलोड करके आप लोग कुछ इसी तरह से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए व्यू ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से ब्लॉग दिख रहा है अभी नया थीम के साथ। थोड़ा सा हम लोग चेंजेस करेंगे, जैसे ये सब बेकार दिख रहा है तो थोड़ा सा चेंजेस करेंगे हम लोग, टेंशन मत लीजिए। ये हो जाने के बाद अभी हम लोग लेआउट पे जाएंगे, और लेआउट पे जाने के बाद हम लोग थोड़ा चेंजेस करेंगे, जैसे कि आलतू फालतू चीज़ों को हटाएंगे सबसे पहले, जैसे सर्च दिस ब्लॉग, इसको हम लोग क्लिक करके रिमूव करेंगे, ठीक है। फॉलो बाय ईमेल एडिट पे क्लिक करके रिमूव करेंगे। एडसेंस वगैरह अभी फ़िलहाल हम लोग रिमूव करेंगे, बाद में जब बहुत सारे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा तब एडसेंस का ऐड लगाएंगे। रिपोर्ट अब्यूज़ को भी हम लोग रिमूव करेंगे। ये सब फालतू चीज़ें हैं, इन सबको रख के कोई फ़ायदा है नहीं। ये फीचर पोस्ट को अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, ये स्लाइड बार पे लेके आते हैं। अबाउट मी को भी आप लोग रिमूव कर सकते हो, वैसे मैं तो कर देता हूँ, ज़्यादा घिनना हुआ मुझे देखना पसंद नहीं। और इस पेजेस को भी मैं यहाँ पर रिमूव करता हूँ, यहाँ पर और एक एडसेंस रह गया, इसको भी फिलहाल हम लोग रिमूव करेंगे, ठीक है। और ये हेडिंग है, इसको हम लोग रिमूव नहीं करेंगे। ये ब्लॉग पोस्ट मेन है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ। जैसे देखिए ये जो यहाँ पे मतलब जो भी पोस्ट हम लोग लिखेंगे इस एरिया पे आएगा, यानी कि ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। इसमें आप लोगों को कुछ और नहीं डालना है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था फीचर्ड पोस्ट, कुछ पोस्ट ही नहीं है इसीलिए यहाँ पे फीचर्ड पोस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फीचर्ड पोस्ट को भी हटा देते हैं फिलहाल के लिए, बाद में हम लोग ये सब लगा सकते हैं फिर एक्स्ट्रा। यहाँ पे एक वीडियो का लिंक है, इस अगर आप लोगों का यूट्यूब में कोई वीडियो है तो यहाँ पे दे सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा एक मिनट यूट्यूब खोलता हूँ, इस वीडियो पे मैं ओपन करता हूँ इस वीडियो को, और यहाँ पे इस वीडियो को ओपन करने के बाद कॉपी एम्बिट कोड इस पर क्लिक करता हूँ, और इसको फिलहाल कट कर देता हूँ, और इस सब्सक्राइबर्स वाला पे यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे इस कोड को मैं डालता हूँ, ठीक है। और इस कोड को डालने के बाद विड्थ आपको याद रखिए 360 कर देना है, 360, और ये हाइट भी आपको 250 समथिंग कर देना है, और सेव मैं करता हूँ। अब देखते हैं इसको रिफ्रेश करके क्या होता है। तो देखिए अब ये वीडियो आ चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा विड्थ कट रहा है, तो क्या करेंगे, विड्थ को फिर से एक बार हम लोग सही कर लेते हैं, मतलब विड्थ को और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, 300, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, उसको बाद में हम लोग जब रिफ्रेश करेंगे तब यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट है इसको रहने देते हैं, ये काम का है। रिसेंट पोस्ट है इसको भी रहने देते हैं, मतलब हम लोग क्या क्या रिसेंटली डालेंगे यहाँ पे आ जाएगा। वैसे आप लोग फेसबुक का भी अगर पेज है तो यहाँ पे डाल सकते हो, फिलहाल मैं फेसबुक का पेज यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए रिमूव पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करना है। वैसे आप लोग इस वीडियो को भी रिमूव कर सकते हो, उसमें कोई दोराय नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ और यहाँ पे नीचे हैं, ठीक है, तो इन सबको मैं फिलहाल अभी रिमूव कर दूंगा, बाद में जब वेबसाइट को अगर सजाना हुआ आपको तो आप लोगों को कैसे ऐड करना है थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे रिमूव करना है, ऐसे करके सबको रिमूव कर देता हूँ। मतलब ज़्यादा आपको वेबसाइट में आलतू फालतू चीज़ें ऐड नहीं करना है, लेकिन जो कंपलसरी है वो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फाइनली इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि किस तरह से लगता है। तो यहाँ पे नीचे देखिए सारा कुछ फालतू चीज़ें चला गया, यहाँ पे एक वीडियो आ गया, यहाँ पे कोई सर्च करेगा अगर कोई आर्टिकल, और यहाँ पे जो जो हम लोग पोस्ट बनाएंगे वो, और यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है, मेन्यू है, ये सब मेन्यू को किस तरह से चेंज किया जाता है वो भी सीखेंगे। यहाँ पे बेसिकली गूगल एडसेंस का ऐड लगाने के लिए स्पेस छोड़ा है, फिलहाल ये ट्रायल के लिए ऐड लगा हुआ है। जस्ट इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे देखिए ऐड वाला ये है, तो आपको थोड़ा जानना पड़ेगा कि कौन सा लेआउट का कौन सा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस एडिट पे क्लिक करके इसको अभी फिलहाल के लिए रिमूव करेंगे, बाद में जब बहुत सारे ट्रैफिक होगा तब यहाँ पे गूगल एडसेंस का कोड इस पर आपको कुछ इस तरह से लगाना है। ऐड ए गैजेट पे आप लोग कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बहुत चीज़ नीचे डिलीट किया था, आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, तो आप लोग लगा सकते हो। जैसे HTML JavaScript, मतलब आपको गूगल एडसेंस का कोड HTML JavaScript में मिलेगा, वो आप यहाँ पे डाल के सेव करोगे तो वो वापस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग बाद में बात करेंगे ये सब,
आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है एक माइक्रो निच वेबसाइट बनाना, उस पर आर्टिकल लिखना और वो रैंक करना। अगर रैंक करेगा, अगर व्यूज़ आएगा तो बस आपका निकल पड़ा। बाकी ऐड कैसे लगाना है वो तो हम लोग आराम से इस चैनल पर बात करेंगे ही, ठीक है। इस चैनल पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है और आगे भी बनाऊंगा ऐड कैसे लगाना है के ऊपर, ठीक है। तो एक पोस्ट लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। और याद रखिएगा, अगर आप लोग गूगल एडसेंस के थ्रू अर्न करना चाहते हो तो कहीं से भी आपको पोस्ट कॉपी नहीं करना है, ठीक है। कहीं से भी पोस्ट आपको कॉपी नहीं करना है। फिलहाल मैं आप लोग को बस दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। और मान लीजिए मैं ये पोस्ट खुद से लिख रहा हूँ इस ब्लॉग के ऊपर, ठीक है। बाकी आपको तो ऐसे करके लिखना है, मतलब जैसे आप लिखना चाहोगे आपको लिखना है, ठीक है, पोस्ट लिखना है। जैसे मैंने ये वाला देखिए वोडाफोन के ऊपर है, ठीक है। तो चलिए वोडाफोन के ऊपर नहीं जाऊंगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी मना किया कि आप किसी और का बना रहे हो और कोई और कीवर्ड के साथ आर्टिकल लिखोगे तो वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जियो इंटरनेट के ऊपर ही आर्टिकल लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रिक मैंने ऑलरेडी अपने इस ब्लॉग पर लिख के रखा है कि जियो में किस तरह से फ्री में इंटरनेट आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो इसको कॉपी करता हूँ हेडिंग को, जैसे कि आप लोग गौर कीजिए यहाँ पे मैंने 2019 के ऊपर लिख के रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि ये माइक्रोनिस वेबसाइट 2020 में बहुत अच्छा से रैंक करे तो मैं यहाँ पे 2020 के ऊपर सारा आर्टिकल लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं, इन 2020, ठीक है, अनलिमिटेड फ्री इंटरनेट VPN वर्किंग ट्रिक इन 2020, ऐसे करके आप लोग लाखों लिख सकते हो। आपको अपना एक ही आर्टिकल ओरिजिनल लिखना है या चाहो तो सारा आर्टिकल ओरिजिनल लिखो तब और भी अच्छा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे जस्ट कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जस्ट इतना याद रखिएगा कि मान लीजिए बस कि मैं यहाँ पे सब कुछ खुद से लिख रहा हूँ, ठीक है। और भी यहाँ पे बहुत सारा है जो कि मैंने लिखा था तो इनको भी कॉपी करता हूँ मैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने कॉपी करके डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी मैंने अपने से नहीं लिखा है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोग अपना लिखोगे, क्योंकि अगर रैंक करवाना है तो गूगल क्या करता है, गूगल देखता है कि आप किसी का मतलब कॉपी तो नहीं किए हो। अगर आप कॉपी करते हो तो गूगल क्या करता है, वो रैंक नहीं करने देता आपकी वेबसाइट को। तो याद आपको ये रखना है कि अगर रैंक करवाना है तो आपको अपना लिखना पड़ेगा। फिलहाल मैं जस्ट कॉपी करके दिखा दिया, आप सोच लीजिए कि मैंने अपना लिखा है, ठीक है। यहाँ पर लेवल्स में जैसे कि फ्री इंटरनेट VPN ट्रिक्स, ठीक है, ये VPN के थ्रू है तो फ्री इंटरनेट VPN ट्रिक्स इन जियो, नहीं तो जियो फ्री इंटरनेट VPN ट्रिक्स, ठीक है। जैसे बहुत सारा होता है डायलिंग नंबर करके या फिर USD कोड यूज़ करके। तो जैसा जैसा आप लोग आर्टिकल लिखोगे वैसे वैसे आप लोग यहाँ पे लेबल दोगे, ठीक है। परमा लिंक पे आप लोग थोड़ा सा आना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिएगा जो जिस तरह का आप आर्टिकल लिख रहे हैं उस तरह का परमा लिंक होना चाहिए, जियो अनलिमिटेड फ्री इंटरनेट VPN वर्किंग, ठीक है। इसको वर्किंग को हटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ट्रिक, और अनलिमिटेड को भी हटाते हैं। ज़्यादा यहाँ पे घिनाना का ज़रूरत नहीं है, मतलब आलतू फालतू आपको नहीं परमा लिंक में देना है। जियो फ्री इंटरनेट VPN ट्रिक, ये एक सर्चेबल कीवर्ड है, यानी कि लोग आपको सर्च ये करना है कि लोग क्या सर्च करते हैं आपके कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। उसके रिलेटेड कीवर्ड देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे जियो फ्री इंटरनेट मैंने सर्च किया, ठीक है, तो मुझे क्या क्या देखने को मिल रहा है, न्यूज़ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए जियो 16 GB फ्री डेटा, सॉरी डेटा फॉर ऑल यूज़र्स। यहाँ पे देखिए गेट 10 GB फ्री इंटरनेट डेटा, कुछ ऐसा कीवर्ड सर्च होता है। यहाँ पे देखिए रिलेटेड कीवर्ड दिख रहा है, जियो फ्री इंटरनेट विदाउट रिचार्ज, जियो फ्री इंटरनेट ट्रिक्स 2018, फ्री इंटरनेट प्रॉक्सी, VPN कोड ट्रिक्स। तो इन सब कीवर्ड के ऊपर आपको बेसिकली आर्टिकल लिखना है इन सब कीवर्ड को यूज़ करके, ठीक है। तो जैसे VPN, जियो फ्री इंटरनेट VPN, आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ऑलरेडी जियो VPN के ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हो सके तो इन कीवर्ड्स को आपको देखना है, ठीक है। वैसे अगर आपको ये कीवर्ड यहाँ पे नहीं दिखेगा तो नीचे आपको यहाँ पे कीवर्ड दिखेगा, ठीक है। ये तो मेरा एक एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसीलिए ये दिख रहा है, ठीक है। तो परमा लिंक यहाँ पे हो चुका है और लेवल्स मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से दे देता हूँ जो ज़्यादा सर्च होता है, या अपना भी दे सकते हो। और ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे एक फ़ोटो ऐड करना है, फ़ोटो हम लोग गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं।
और इसको सेव इमेज एस पे क्लिक करके आप लोग अपने कंप्यूटर में सेव कर लीजिए, और बाद में आप लोग इसको मतलब अपने आर्टिकल के बीच में पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, पेस्ट कैसे करना है, सॉरी मैं थोड़ा डिटेल्स बता देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मुझे यहाँ पे लाना है, तो इस इमेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करता हूँ, और जहाँ पे मैंने सेव किया था वहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे सिलेक्ट होके इमेज सिलेक्ट हो जाएगा और ऐड सिलेक्टेड पे क्लिक करता हूँ। अब ये ऊपर आ गया तो कुछ नहीं, इसको क्या करेंगे कट करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हो गया ये। अब देखो यार, ये फॉन्ट को हम लोग थोड़ा सा ठीक करते हैं, फॉन्ट को थोड़ा हम लोग नॉर्मल करेंगे, जैसे ये वेरदना है और इसको नॉर्मल करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा नॉर्मल कर देना है, या लार्ज भी कर सकते हो, ज़्यादा लार्ज नहीं, नॉर्मल ही सही रहता है बेसिकली। और बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप जितना बड़ा आर्टिकल लिखोगे, यानी कि ये कितना आर्टिकल मतलब कितना वर्ड का होगा, चलिए ये भी देख लेते हैं। ऑनलाइन टेक्स्ट काउंटर का मैं इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, मतलब कितना इस आर्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, और काउंट कैरेक्टर तो 2087, तो 2087 में नहीं करना है आपको। अगर माइक्रोनिस वेबसाइट बना रहे हो तो एटलीस्ट 10,000 वर्ड से भी ज़्यादा का बनाइए। ठीक है, तब जाके काम आएगा। और अगर आप लिख नहीं सकते हो 10,000 वर्ड, तो कम से कम लिखिए, जितना आप लिखोगे उतना अच्छा चांस होगा कि आपका वेबसाइट रैंक कर जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए आपने लिख लिया जितना आपसे हो सका। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब आप एक काम कर सकते हो, keywordtool.io इस वेबसाइट में जाइए, और जो हमारा मतलब कीवर्ड, जो हमारा माइक्रोनिस वेबसाइट है जियो फ्री इंटरनेट, इसको कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, और देखते हैं लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं जियो फ्री इंटरनेट के रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे नहीं आता है तो आप लोग इस वेबसाइट के थ्रू देख सकते हो। हालांकि यहाँ पे तो बहुत कम आता है, लेकिन आप लोग इस वेबसाइट में सारा कीवर्ड मिल जाएगा जो लोग सर्च कर रहे हैं। 170 यूनिक कीवर्ड मिला है, तो क्या करते हैं इसको कॉपी करेंगे, पहले सिलेक्ट ऑल करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग और एक वेबसाइट ओपन करेंगे, इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा। तो गाइस यहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक मैं नीचे मतलब पेस्ट कर रहा हूँ, और ये वेबसाइट ओपन हो रहा है। ठीक है, इसका लिंक दे दूंगा, कीवर्ड आयो का दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबको सिलेक्ट करना है आपको इस तरह से, और यहाँ पे कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और इस वेबसाइट पे आके आपको क्या करना है, नीचे आना है थोड़ा सा, और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे रिमूव लाइन ब्रेक्स, तो ये करने के बाद आप लोगों को जस्ट सिलेक्ट ऑल करना है और कॉपी करना है। जैसे आप लोग सिलेक्ट ऑल करके कॉपी करोगे, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। अब कुछ इस तरह से कीवर्ड को अगर आप दे दोगे अपना ब्लॉग पोस्ट में, तो वो अच्छा तो नहीं लगेगा ना, तो आपको क्या करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इन सारे कीवर्ड्स को आपको सिलेक्ट करना है ऐसे करके, मतलब पूरा पोस्ट को नहीं, जस्ट जो भी कीवर्ड है मतलब जो लोग सर्च करते हैं उसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे जाना है आपको टेक्स्ट पे, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट पे। ठीक है, तो ऐसे करके आप रहने देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे करके सिलेक्ट करके सेंटर ऑफ द पेजेस पे ला सकते हो। तो दैट्स इट, आपने अपना जितना भी आर्टिकल, मान लीजिए आपका आर्टिकल यहाँ तक हुआ। ठीक है, तो हो जाने के बाद आप क्या कीजिए, अपना कीवर्ड को कुछ इस तरह से पेस्ट कर दीजिए, और ज़्यादा कुछ नहीं। आपका मतलब आपका जो आर्टिकल है उसका लेंथ भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं फिर से आपको ऑनलाइन टेक्स्ट काउंटर में जाके काउंट करके दिखाता हूँ, इसको पूरा कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे काउंट, यहाँ पे देखिए अब 7,000 हो गया, कहाँ 2,000 था और कहाँ 7,000 हो गया। तो ऐसे करके आप लोग बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके आपका रैंक कर जाएगा कभी कभी, लेकिन कोशिश इतना कीजिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना लिख सको, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 वर्ड का लिखोगे और अच्छा। मान लीजिए कल को आके आपका सेम कीवर्ड में सेम माइक्रोनिस वेबसाइट बना के 6 वर्ड का अपना लिख देते हैं, तो फिर उसका वाला रैंक करना चालू हो जाएगा, आपका वाला डाउन आएगा रैंक पेज पे। तो कोशिश करते रहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। ठीक है, एक दिन नहीं लिख सकते हैं कोई बात नहीं, दूसरा दिन लिखिए, पब्लिश कर दीजिए उसे, कोई बात नहीं, बाद में आके एडिट कीजिए, पब्लिश कर देता हूँ जैसे मैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप जस्ट एडिट पे क्लिक कीजिए, दूसरा दिन फिर आप लोग कुछ और लिखें, तो ऐसे करके आप लोग बढ़ा सकते हो बेसिकली। ठीक है, अब इस वेबसाइट को व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखो कुछ इस तरह से यहाँ पे मुझे अपना आर्टिकल दिख रहा है। तो जितने भी कीवर्ड यहाँ पे मिल रहे हैं गाइज, जैसे कि कीवर्ड टूल में भी मैंने दिखाया क्या क्या कीवर्ड है, उन सारे कीवर्ड के ऊपर लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका हर एक मतलब आपका अगर 50 कीवर्ड के बीच में अगर आपका 10 कीवर्ड भी रैंक कर जाता है तो भी आपको बहुत व्यूज़ आने वाले हैं। ठीक है, जैसे ये वाला कीवर्ड, ये वाला कीवर्ड, इस कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखना है। जैसे वीपीएन ट्रिक था, तो मैंने वीपीएन ट्रिक का मतलब
जियो फ्री इंटरनेट वीपीएन वर्किंग ट्रिक, ठीक है। ट्रिक मतलब वीपीएन को यूज़ करके कैसे जियो में फ्री इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली मैंने ये बताया, ठीक है। तो ये कीवर्ड का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे लोग अब जब सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं गूगल में जब ये रैंकिंग कर जाएगा तो वो वहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। तो अब मुझे फ़ायदा होने वाला है उसका। अब एक चीज़ देखना ये भी है कि जैसे ये है जियो का ऑफिशियल वेबसाइट, इसलिए आ रहा है, हालांकि कोई कीवर्ड है नहीं जियो फ्री इंटरनेट के बारे में, ठीक है। और ये न्यूज़ चैनल है तो यहाँ पे भी कोई कीवर्ड हालांकि है नहीं, लेकिन गूगल क्या करता है, दे देता है। लेकिन ये सब देखिए, जैसे गेट 10 फ्री 10 GB फ्री इंटरनेट डेटा रिलायंस जियो ऑल यूज़र्स, तो कुछ इस तरह का कीवर्ड को भी आप लोग अपना आर्टिकल बनाओ, ठीक है। जैसे ये लोग अपना आर्टिकल बनाए, तो कुछ इस तरह का कीवर्ड को भी आप लोग अपना आर्टिकल बना के कर सकते हो। अभी चलिए मैं इस कीवर्ड को सर्च करता हूँ, तो वही कुछ न्यूज़ वेबसाइट आ रहे हैं पहले, हालांकि जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया था फ्री इंटरनेट, फ्री इंटरनेट डेटा जियो, तो ये वेबसाइट ज़्यादा रैंक कर रहा है, तो बहुत ये फेस कर रहा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा विजिटर आ रहा होगा, तो इसका फ़ायदा हो रहा होगा। लेकिन अगर आप माइक्रोनिस वेबसाइट बनाते हो और थोड़ा सा मेहनत करते हो तो इस वेबसाइट के ऊपर भी आप आ जाओगे, ठीक है। और भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं माइक्रोनिस वेबसाइट के ऊपर बताने वाला हूँ आप लोगों को, तो इस चैनल पर बहुत जल्दी मैं उस वीडियो को भी अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग अपना आर्टिकल पेस्ट कर मतलब बनाते रहना होगा, ठीक है। दिन गुना रात चौगुना आपको मेहनत करना होगा, आपने सुना होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करना होगा लास्ट में, और एक चीज़ आप कर सकते हो जो कि बहुत बेसिक काम है, आप लोग यहाँ पे गूगल में जाना और लिखना वेब मास्टर टूल्स, ये गूगल का ही एक प्रोडक्ट है। इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है और यहाँ पे आपको साइन इन कर लेना है आपका गूगल आईडी से, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने दो ऑलरेडी यहाँ पे लगाया है, study24hours.com वाला वेबसाइट है मेरा एक, देखिए यहाँ पे मुझे कितना विजिटर आता है वो दिख जाता है। यहाँ पे हम लोग फिलहाल ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे और इस ब्लॉग को हम लोग लिस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए .blogspot.com है, तो अगर आप लोग डोमेन नहीं खरीदते हो तो रैंक करना मुश्किल हो जाएगा। मैं जस्ट ट्रायल के लिए दिखा रहा हूँ, इसीलिए .blogspot.com मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि डोमेन खरीद के आप लोग कैसे लगा सकते हो, या फिर आप लोग यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो कि डोमेन खरीद के आप लोग ब्लॉगर वेबसाइट में कैसे लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस लिंक को कॉपी करता हूँ, तो कोशिश कीजिएगा कि ये .blogspot को आप जल्दी से जल्दी हटा पाओ, मतलब अपना एक नया डोमेन खरीद के और कुछ इस तरह से अपना लिंक बना पाओ, ठीक है। तो ये मेरा अभी लिंक फ़िलहाल नहीं है, मैं तो जस्ट दिखा रहा हूँ। तो इस जो भी लिंक था मैंने कॉपी कर लिया है, और यहाँ पे आपको URL प्रीफिक्स में क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अपना देखिए ये इतना बड़ा URL है, तो कोशिश ये भी कीजिएगा कि छोटा URL रहे, कुछ कीवर्ड छोटा इस्तेमाल कीजिए जो सर्च भी होता है, ऐसा नहीं कि बिना सर्च किया हुआ कीवर्ड, मतलब लोग सर्च ही नहीं करते हैं उस कीवर्ड से और आपने बना दिया, ठीक है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, और कुछ इस तरह से थोड़ा टाइम लेगा, और यहाँ पे बस हो जाएगा ऑटोमेटिकली वेरीफाइड। गो टू प्रॉपर्टी पे हम लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ पे साइट मैप्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको साइट मैप क्या लिखना है, site map.xml, कुछ भी गलत नहीं लिखेगा, site map.xml जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है, और सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, गॉट इट। और यहाँ पे देखिए डिस्कवर्ड URL वन शो हो रहा है, क्योंकि मैंने एक आर्टिकल लिख के रखा है इसलिए एक शो हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लोग आर्टिकल लिखोगे 10-15 वैसे करके यहाँ पे शो होते जाएगा डिस्कवर्ड URL, मतलब ये अब क्या होगा, अब आपका ये जो आर्टिकल आपने लिखा है तो ये अब क्या होगा, नहीं तो आप लोग मैनुअली भी कर सकते हो। वैसे तो आपने एक बार साइट में बना दिया तो आप कुछ करना नहीं होता है, आपका आर्टिकल धीरे धीरे गूगल में आना चालू हो जाएगा। हालांकि अगर आपको मैनुअली करना है तो भी आप कॉपी कर सकते हो, और यहाँ पे आपको सर्च बार में पेस्ट करना है और एंटर मारना है। तो देखिए ये फ़िलहाल अभी गूगल के मतलब गूगल में इंडेक्स नहीं है, तो आपको यहाँ पे अगर इंडेक्स होगा तो ऑलरेडी इंडेक्स दिखाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, और अगर नहीं है तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे आपको क्लिक करना है और वेट करना है थोड़ा देर। तो गाइस थोड़ा देर के बाद ये इंडेक्स हो जाता है, तब तक के लिए यहाँ पे होम पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह से वेबसाइट। बाकी ये सब देखिए जैसे रिसेंट पोस्ट हो गया, ठीक है, आप जब दो पोस्ट लिखोगे तो जिस पोस्ट में ज़्यादा व्यूज़ आएगा वो पॉपुलर पोस्ट में दिखेगा। इस लेवल को हटा देना, ब्लॉग आर्चिव को हटा देना, मैं हटाने भूल गया, ये सब कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे नीचे भी आप ऐड कर सकते हो, मैंने आपको दिखाया कैसे ऐड करना है, तो यहाँ पे एक बार कैप्चा को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड, यानी कि अब आपका वो आर्टिकल गूगल में आना चालू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने ये कर दिया तो बस रैंक वन में आ गया, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे होगा। जैसे गूगल सर्च अगर आप कुछ करते हो तो पता भी है कितना रिजल्ट्स होता है, ये देखिए इस कीवर्ड के ऊपर इतना रिजल्ट्स होता है, ठीक है। तो
ज़रूरी नहीं है कि इतना इस कीवर्ड के ऊपर इतना ही आर्टिकल बना हुआ है, ठीक है। कहीं कहीं मतलब कुछ भी पेज में, अगर मान लीजिए बॉलीवुड का कोई वेबसाइट है और उसने अपना उस पेज में ये वाला कीवर्ड यूज़ कर दिया, तो यहाँ पे रिजल्ट बन जाता है। ऐसा नहीं है कि हर मतलब इस कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है इतना, ठीक है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि आपका जो आपने जो URL इंस्पेक्शन किया, तो वो अब गूगल मतलब रीड करेगा और बहुत जल्दी रैंक भी करेगा। रैंक करवाने के लिए मैं एक मैनुअल तरीका ऑलरेडी वीडियो में अपलोड करूँगा, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वो वीडियो आपको देखना होगा, ठीक है। इस चैनल पे मैं अपलोड कर दूँगा एक दो दिन में। तो फिलहाल इतना ही था, मैंने आपको माइक्रो निश वेबसाइट बनाना सिखाया। अब रैंकिंग के लिए कुछ और भी हम लोग चीज़ें करेंगे नीचे, मतलब बहुत जल्दी इस चैनल पर वीडियो बनाऊँगा। और गूगल एडसेंस का ऐड कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे अर्निंग्स पे आना होगा। और यहाँ पे फिलहाल आप जब अपना बनाओगे, योर ब्लॉग डजेंट करेंटली क्वालिफाई फॉर एडसेंस, तो अभी आपका ब्लॉग एडसेंस के लिए क्वालिफाई नहीं है, लेकिन कुछ विजिटर मिल जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कि योर ब्लॉग क्वालिफाइड फॉर एडसेंस। तब आपको कैसे करके एडसेंस का ऐड लगाना है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, इस वीडियो पे नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी क्वालिफाई ही नहीं है, ठीक है। तो जस्ट इस वीडियो में आपने सीखा कि किस तरह से एक माइक्रो निश वेबसाइट बनाया जाता है और स्टार्ट किया जाता है। जस्ट आपको इतना ही काम है अभी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल लिखो। मैं बहुत जल्द माइक्रो निश वेबसाइट को रैंक कैसे कराता है उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और उसके बाद कैसे ऐड लगाते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अगर किसी भी तरह का डाउट हुआ तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और मैंने कोशिश ये किया है कि आप लोगों को फ्री में या बहुत ही कम पैसे लगा के आप लोग एक माइक्रो निश वेबसाइट बना सकते हो। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।